हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं एलएलपी को क्लोज करने का तरीका। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, एमसीए की वेबसाइट पर हमें फॉर्म फाइल करना है और फॉर्म की जो फीस है वो भी काफी नॉमिनल है, बट उसके साथ आपको कुछ अटैचमेंट्स लगाने हैं और कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। चलते हैं सबसे पहले एमसीए के पोर्टल पर। आप वेबसाइट नोट कर लीजिए, www.mca.gov.in। इस पर हम लॉगिन कर लेंगे। यहां पर ये मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार मैंने लॉगिन किया हुआ है। इस तरह से नए पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है, V3 फाइलिंग वाले पे, क्योंकि फॉर्म्स की, एलएलपी फॉर्म्स की यहां पर माइग्रेशन हो चुकी है। धीरे धीरे कंपनी के फॉर्म्स भी यहीं पर आने वाले हैं। देन उसके बाद आपको यहां पर एमसीए सर्विस में एलएलपी फाइलिंग के अंडर में फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म 24। ये रहा हमारा फॉर्म जो कि हमें फाइल करना है। इसके थ्रू आपकी एलएलपी जो है क्लोज होगी, मतलब स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी एमसीए के रिकॉर्ड से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहां पर बता देता हूँ। फॉर्म तो यहां पर फिलअप करना ही है, इस फॉर्म के साथ अटैचमेंट्स क्या लगने हैं वो मैं बताने वाला हूँ। देन उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट है बेसिक, वो एक बार आप समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले हमें 24 ये फॉर्म फाइल करना है, ऑनलाइन ही फाइल होगा। इसमें जो पर्टिकुलर्स है वो भी हमें फाइल करने होंगे। इसको क्लोज करने से पहले जो भी इसके लेटेस्ट फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11, इसमें कि आपको ये एनुअल रिटर्न्स फाइल करनी होती है स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी की, उसके अलावा दोनों फॉर्म आपके फाइल हो जाने जरूरी है। जिस भी साल में आप इसको क्लोज कर रहे होंगे उसे लेटेस्ट ईयर देख लीजिएगा, जैसे भी 31 मार्च 2022 तक के आपके फॉर्म 8 एंड 11 फाइल होना जरूरी है। ठीक है, ये फॉर्म आप दोनों केस में फाइल कर सकते हैं कि आपकी जो एलएलपी है वो उसने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, या फिर अब बिजनेस स्टार्ट किया था बट आगे उसको अपने जो भी कॉमर्शियल ऑपरेशंस है वो कंटिन्यू नहीं करने हैं, तो उनको क्लोजर करना है वहां से। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आपको एक आइडेंटिटी बॉन्ड बना के रखना है और वो यहां पर अपलोड भी होगा। उसके फॉर्मेट्स में आपको यहां पर अभी दिखा देता हूं और ये आपको मिल भी जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। एक आपको कंसेंट, सभी जितने भी पार्टनर्स हैं उनसे आपको कंसेंट भी यहां पर अपलोड करनी होगी, क्योंकि कल को डिस्प्यूट हो सकता है कि ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये अपलोड करना है। लास्ट पॉइंट आता है कि जहां पर आपको अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को नील दिखाना है बिल्कुल, अगर एक भी वैल्यू इसमें रह जाती है तो आपकी एलएलपी क्लोज नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर आता है कि ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, अब अटैचमेंट्स की रिक्वायरमेंट आती है। तो एक तो आपको एप्लीकेशन लेटर बना लेना है सिंपल सा, जो कि हम अपलोड करेंगे वहां पर। दूसरा, कंसेंट ले लेंगे सभी पार्टनर से, आइडेंटिटी बॉन्ड आ गया, एफिडेविट्स भी बनेंगे इसमें, सभी पार्टनर्स अलग अलग एफिडेविट्स रिक्वायर्ड होंगे सभी पार्टनर्स के थ्रू। स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी आएगा और जो भी आपने लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसकी कॉपी यहां पर आपको अटैच करनी होती है। ठीक है, अब यहां पर फटाफट से एक बार एफिडेविट्स का फॉर्मेट देख लेते हैं। हालांकि आप ये खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा वही फॉर्मेट रहता है कि मैं सोन सोन इस फर्म में पार्टनर हूं और ये जो पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं मैं इनको कंफर्म करता हूँ। तो उसमें नेम, एड्रेस आपका परमानेंट, और एलएलपी का जो बैंक अकाउंट है वो क्लोज हो गया है, ये एफिडेविट में लिखना पड़ेगा आपको। और एलएलपी के जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी है वो सभी नील हो गए हैं। एलएलपी जो है इनकॉर्पोरेशन के टाइम से ही कोई वर्क नहीं कर रही है या बाद में उसने बंद किया है, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर कवर होंगे। एलएलपी के अगेंस्ट में कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन नहीं है और कोई भी बाद में भी, अगर ये आइडेंटिटी वाला पॉइंट है कि स्ट्राइक ऑफ होने के बाद भी कोई भी लाइबिलिटी या क्लेम किसी भी पर्सन के अगर रह जाते हैं तो पार्टनर्स उसको बियर करेंगे। ठीक है, इस तरह का आपको एफिडेविट बनाना है। मैंने सारे पॉइंट्स आपको रीड आउट कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि क्रेडिटर्स के लिए, इसके लिए भी जो पार्टनर है वो सभी पार्टनर्स इसी तरह से देंगे, जो क्रेडिटर्स, कोई भी क्रेडिटर नहीं है, सर्टन लाइबिलिटी निल है, ये भी एक अलग से बनाना होता है क्योंकि इसकी डिटेल्स अलग से पब्लिश होती है। ठीक है, फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन आपको ड्रॉ कर लेनी है सिंपल सी, से कोई भी एप्लीकेशन आप लिखते हैं कि हम सभी पार्टनर्स इस फर्म में इस एलएलपी को क्लोज करना चाहते हैं। रीजन आपको यहां पर बताना पड़ेगा, डेट एक रखनी पड़ेगी और उसके अलावा एक रेजोल्यूशन में आपको पास करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर इस डेट से एलएलपी जो है क्लोजर में जाएगी। उसके बाद जो है कंसेंट, सभी पार्टनर से कंसेंट लेटर, ये तो आप खुद से ही कि इस फर्म में पार्टनर है और आपका एड्रेस ये है, आप इसको कंफर्म कर रहे हैं कि आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे पार्टनर के दबाव में आकर आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो इसलिए कंसेंट लेटर भी लेना जरूरी है सभी पार्टनर से। ठीक है, ये आइडेंटिटी बॉन्ड हो गया, जो पॉइंट्स ऊपर मैंने डिस्कस किए थे एफिडेविट्स में उसी तरह के यहां पर भी पॉइंट्स हैं कि कोई भी क्लेम पेंडिंग नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ जो भी है वो लाइबिलिटी, जैसे एसेट एंड लाइबिलिटी जो है वो सभी नीलो रखी है, हम इसके साथ अटैच कर रहे हैं। उसके अलावा जो है
यहाँ पर जितने भी क्लेम्स हैं वो गवर्नमेंट के हो सकते हैं या फिर किसी भी क्रेडिटर्स के हो सकते हैं, वो सब पे हो गए हैं। और बाद में भी अगर कोई आइडेंटिटी बॉन्ड का मतलब ये होता है कि अगर बाद में भी किसी भी रीजन से किसी पर्सन को कोई लॉस या कुछ भी ऐसा अराइज होता है, तो उसके बाद भी जो पार्टनर्स हैं और LLP है दोनों लायबल रहेंगे उतने अमाउंट तक पे करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का आइडेंटिटी बॉन्ड यहां पर बन गया है। एक ऑथराइजेशन लेटर आपको बना लेना है कि जो भी पार्टनर्स के DSCs आप अपलोड करेंगे, जैसे अभी हम फॉर्म अपलोड करेंगे, कि वो पर्सन ये सारी चीजें करने के लिए एलिजिबल है। चलिए अब चलते हैं फॉर्म्स की तरफ। फॉर्म में पहले क्या लिखना है आपको, LLP नंबर, तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगी। फिर आपको रीजन लिखना है, रीजन आप सिंगल लाइन में लिखेगा, जो भी बिल्कुल एग्जैक्ट आपका रीजन है LLP को क्लोज करने का, कि स्टार्टिंग से बिजनेस नहीं कर रही है या फिर बाद में बिजनेस आपने सीज करे हैं, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। कोई एक्शन इनिशिएट तो नहीं हुआ ROC के थ्रू, यस हुआ है तो फिर परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुई है या नहीं, यस एंड नो में आंसर देना है। उसके अलावा डेट, किस डेट से आपको क्लोज करनी है, तो वो डेट आपको यहां पर एंटर करनी है। ध्यान रखिएगा उससे पहले साल तक के सारे कंप्लायंस आपको करने हैं। क्या किसी रेगुलेटर के थ्रू LLP रेगुलेट होती है, जैसे कि बैंकिंग कोई है, एजेंसी NBFC टाइप की है, तो वो यहां पर आपको यस नो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। या आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि किसी रेगुलेटर के थ्रू रेगुलेट हो रहा है, तो उससे परमिशन यहां पर आपको लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये बेसिक सी डिटेल्स है कि कोई प्रोजेक्शन तो पेंडिंग नहीं है, तो यस नो के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग आप इसमें आंसर देंगे। नंबर ऑफ प्रोजेक्शन कितने हैं, डिटेल्स यहां पर एंटर करनी है। अगर कुछ नहीं है तो आप इसको नो करके सब 0-0 कर देना, इसमें कुछ भी एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ ये एसेट और लाइबिलिटी, तो इसका एक फॉर्मेट है वो मैं आपको दे देता हूं, उसके हिसाब से आप इसको रेडी कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा आसान फॉर्मेट है। ध्यान रखिएगा यहां पर वैल्यू जो है नील होना जरूरी है। इस तरह से आप बनाएंगे, वो जैसे स्टेटमेंट बनाते हैं किसी भी कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटी के लिए, इस तरह से आपको बना लेने हैं। सारे वैल्यूज नील नील रहेंगे, जो कैपिटल्स हैं वो ट्रांसफर करनी है आपको। उसके बाद ये आपको सर्टिफाई भी कराना है, आप किसी भी CA के थ्रू करा सकते हैं, जो आपके स्टेचुरी ऑडिटर हैं उनसे भी आप इसको सर्टिफाई करा सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब ये डिटेल्स आपको यहां पर भर देनी है और उनकी डिटेल्स यहां पर एंटर कर देनी है। जो एफिडेविट्स और जो डिटेल्स मैंने बताया, कंसेंट लेटर, एफिडेविट्स, आइडेंटिटी बॉन्ड, वो आपको यहां पर नेक्स्ट करके अटैचमेंट में लगाने हैं। उसके बाद DSC के थ्रू यहां पर आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद ROC के पास जाएगी, जो भी आपके जुडिशनल ROC होंगे वो उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद अगर इसमें कोई भी पॉइंट्स या कुछ भी वेरिएशंस रहते हैं, तो आपसे ईमेल के थ्रू या फॉर्म सेंड बैक करके रिक्वायर्ड हो जाएगी। उसके बाद इसमें जो टाइम टेकन लगता है वो 1 month के अप्रोक्स लगता है। उसके अंडर अंडर में आपकी जो LLP, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपरली अरेंज हैं और थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी किया जाता है MCA के थ्रू, तो वो अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपकी LLP क्लोज हो जाती है। पूरा फॉर्म या फॉर्मेट या फिर जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है, इसमें किसी भी तरह से कहीं पर भी आपको विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। मैंने पूरा प्रोसेस डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा इस तरह से ये LLP क्लोजर का, इसी तरह से मैंने अपने चैनल पर LLP क्रिएट करने के लिए, कि जब आपको नई इनकॉर्पोरेट करनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, GST रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स फाइलिंग और उससे रिगार्डिंग काफी सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। डेली कंप्लायंस के रिगार्डिंग या फिर जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर आते हैं वो वीडियो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर CA पुनीत जैन के नाम से, आपको चैनल मिल जाएगा। वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट में आप स्पेशल कोई भी वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बनाई हुई है, जो भी आपसे रिलेटेड वीडियो।